भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी पर रोक लगाने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कानून के तहत साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता के भाई तहसीन पूनावाला ने प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से मांग की थी। तहसीन पूनावाला की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किसी भी मामले में दोषी नहीं है, उन पर कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है। आयोग ने कहा है कि कानून के मुताबिक दोष सिद्ध होने पर चुनाव न लड़ने का प्रावधान है, न कि आरोपी होने पर चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कोर्ट और कानून जवाब देगा। नहीं तो ये जो चुनाव आयोग में कांग्रेस जो पहुंची है, तहसीन पूनावाला जो पहुंचे हैं, ये आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या सोच हो सकती है कि आपका चुनाव लड़ने से रोका जाए, ये उन्होंने लिखा है? कोर्ट जवाब देगा, कानून जवाब देगा। बता दें कि तहसीन पूनावाला महाराष्ट्र कांग्रेस के सचिव शहजाद पूनावाला का भाई है। तहसीन पूनावाला ने कहा है कि साध्वी के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने का मामला चल रहा है, वो जमानत पर बाहर हैं, ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। पूनावाला ने साध्वी प्रज्ञा की भोपाल संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग से पूनावाला को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसे में देखना होगा कि अब साध्वी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कांग्रेस क्या दाव खेलती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।